नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, 2015 में नगर परिषद कन्हान का पहली बार चुनाव हुआ, उससे पहले ग्राम पंचायत थी। 2015 का चुनाव पहला वर्ष था जब नगर परिषद के रूप में वहां पे चुनाव हुआ। कन्हान में अभी तक जो बाज़ार लगती हैं, शुक्रवार को वहाँ बाज़ार लगती है, और बाज़ार के लिए अस्थाई जगह अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर के सब्जी वाले कितने परेशान हैं और अन्य क्या परेशानियाँ हैं। ज़मीन को लेकर के, जगह को लेकर के जो परेशानी है वो आज भी जैसी थी वैसे ही है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है वो आज हम आपको बताने वाले हैं कि नगर परिषद द्वारा बाज़ार वालों से, सब्जी वालों से जो बाज़ार लगाते हैं उनसे कर वसूली किया जाता है, और जिसके लिए एक टेंडर प्रक्रिया होती है, टेंडर के द्वारा उनसे कर वसूला जाता है। लेकिन लगभग पिछले एक साल या उससे ज़्यादा बोल सकते हैं, नगर परिषद ने टेंडर नहीं किया, टेंडर ओपन नहीं किया। अप्रैल में टेंडर हुआ लेकिन अभी बीड ओपन नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों के EMD 50-50 हज़ार रुपये आज भी जमा है, लेकिन टेंडर ओपन ना होने के कारण ये किसी को अभी तक टेंडर नहीं गया, और टेंडर ना होने के कारण नगर परिषद खुद, उसके कर्मचारी वहाँ पर लोगों से बाज़ार में कर वसूली करते हैं, और कितनी लापरवाही से कर वसूली करते हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि 10 रुपये या 20 रुपये चिट्ठी होती है लेकिन 30-30 रुपये तक वसूला जाता है, और तो और पैसा लेने के बाद उन्हें कई लोगों को चिट्ठी तक नहीं देते हैं। यानी कि नगर परिषद का एक नुकसान भी हो रहा है, और जो गरीब, जो सब्जी वाले इतनी मेहनत करके धूप गर्मी बरसात हर मौसम को झेल के एक सुविधा देते हैं अपने पेट चलाने के लिए, और हमारे लिए भी एक सुविधा देते हैं, हमें भी सुविधा देते हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। और जिसको लेकर के हमारे साथ, हमारे कैमरामैन अखिलेश भारद्वाज जी के साथ हम नगर परिषद में उन तमाम सब्जी वालों से बातचीत किए जिन्होंने क्या दर्द बताया, वो आज हम आपको बताते हैं। भैया, आप लोग बाज़ार के लिए जो हर शुक्रवार को कन्हान में आके बाज़ार लगाते हैं, तो इसके लिए नगर परिषद वालों को या फिर किसी को भी आप लोग पैसा देते हैं? हाँ। कितने रुपये देते हैं? 30 रुपये। 30 रुपये देते हैं? 30 रुपये हर शुक्रवार को लेते हैं आपसे? 30 रुपये ज़्यादा है या फिर सभी से 30 लेते हैं? सभी से 30-20 ऐसी लेते हैं, सबका अलग अलग लेते हैं आपके। अच्छा, तो आपको इसके लिए वो स्लिप वगैरह देते होंगे, रिसिप्ट वगैरह? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं देते? नहीं देते। आप मांगते हैं? हाँ। तो क्या बोलते हैं? मांगते हैं तो 10 रुपये की स्लिप रहती है, वो 3 स्लिप दे देते हैं। और नहीं मांगे तो? नहीं मांगे तो नहीं देते। अच्छा, इससे पहले साल दो साल पहले जब आप, उससे पहले भी आप देते होंगे पैसे, तो तब आपको स्लिप मिलती थी क्या? हाँ। तब मतलब वो अपने आप दे देते थे स्लिप? हाँ। तब कितने पैसे देते थे? 10 रुपये और 10 रुपये की स्लिप देते थे। अच्छा, पहले आप 10 रुपये देते थे, पिछले 30 रुपये कब से दे रहे हैं? अभी यही साल। ये साल से आप 30 रुपये दे रहे हैं? पहले 10 रुपये देते? हाँ। ये आपकी छोटी सी दुकान है भिंडी की, आप लोग नगर परिषद वाले की तरफ से कोई आते हैं पैसे देते हैं आपको? हाँ, 10 रुपये चिट्ठी लेते हैं, अभी 2 हफ्ते से नहीं आ रहे। नहीं आ रहे? 10 रुपये देते हैं और चिट्ठी वगैरह देते हैं? हाँ, चिट्ठी देते हैं। कहाँ से, कहाँ रहते हैं आप? मैं कन्हान में ही रहता हूँ। कन्हान में रहते हैं? ठीक। टेकाड़ी? टेकाड़ी अपना। अच्छा, ये यहाँ बाज़ार लगे तो कितने रुपये नगर परिषद वाले लेते हैं? 20 रुपये। स्लिप देते हैं? हाँ, स्लिप देते हैं। हर बार स्लिप देते हैं कि मांगना पड़ता है? मांगना पड़ता है। और नहीं मांगे तो? नहीं मांगे तो नहीं देते। नहीं देते? हाँ। बाज़ार के लिए आप लोगों को जगह वगैरह दिया नहीं गया है, तो इसके लिए आप लोगों को तकलीफ होती है? हाँ, तकलीफ होती है ना। कोई सुनवाई वगैरह? अभी कोई सुनवाई नहीं होती। नई बॉडी बैठी 2.5-3 साल पहले लगभग। हाँ। तो कुछ उम्मीदें वगैरह थी क्या? उम्मीदें थी लेकिन नहीं हुआ, कुछ कुछ नहीं हुआ। ठीक। यहाँ पे आप दुकान लगाए तो नगर परिषद वाले आपसे बाज़ार वसूली के लिए पैसे लेने आते हैं? आते हैं, 20 रुपये लेते। पर्ची देते हैं? हाँ देते, कभी देते कभी नहीं देते, बोलना पर्ची हरदम देते, एक आने बार गड़बड़ में नहीं देते। नहीं देते? पानी उन्हें रहता है, पैसे ले लेते लेकिन बराबर। अच्छा, आप लोगों के लिए बाज़ार वगैरह के लिए जगह वगैरह के लिए कुछ बताएं? जगहों की तो तकलीफ है, 10 बार आते इधर घर वाले की तक, यानी पीछे मकान वाली गाड़ी आई तो अलग करना, आने जाने वाली कोई तकलीफ। अब ये पीछे आपके यहाँ पे घर है, जरा इधर दिखाइएगा, पीछे ये घर है, यहाँ से इनको अगर कार निकालना है, गाड़ी निकालना है तो फिर उठाना पड़ता है ये सब? उनकी गाड़ी जाती फिर बाद में लगा देते। बार बार तकलीफ होती है? हाँ, तो बार बार निकालते भी नहीं अंकल, उनको काम रहा तो हमारे को पहले बता देते कि गाड़ी निकालना है बेटा। मतलब ये कॉपरेट करते हैं कि हमारे को भी तकलीफ नहीं आज तक, लेकिन दिक्कत तो होती है रोड पे रहे तो कचरा हमारे को हरदम साफ करके लेके जाना पड़ता, पूरी झाड़ू जैसा घर को झाड़ू मारते वैसा झाड़ू मार के जाना पड़ता शाम को। बाथरूम वगैरह के लिए कोई व्यवस्था है? कुछ भी नहीं। बाथरूम करने के लिए दिक्कत होती है? हाँ, जगह ही नहीं ना कहीं जाने आने के लिए। आज कैसे है? 15 रुपये किलो। 15 रुपये किलो? हाँ। पिछले फ्राइडे को कैसे था? 20 रुपये था, 15 रुपये था, दोनों रेट यही रेट चल रहा है, 15-20। अच्छा, आप यहाँ बाज़ार लगाते हैं तो नगर परिषद वाले पैसे वसूली करने के लिए आते हैं? हाँ आते हैं। कितने रुपए लेते हैं? 30 रुपए। पर्ची देते हैं?
हाँ पर्ची भी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, दोनों काम होता है। कभी देते हैं और कभी नहीं भी देते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए बाजार के लिए जगह नहीं दिया गया, कोई तकलीफ है? हाँ तकलीफ तो है बाजार के लिए, पूरा करीबन नहीं नहीं तो 12-13 साल से मैं लगा रहा हूँ। 12-13 साल से? हाँ, और करीबन 20 साल से करीबन बाजार का जो है कहीं जगह नहीं मिला है, और वो जगह क्या पता कहाँ गई। बाथरूम करने के लिए क्या तकलीफ? बाथरूम के लिए तो कहीं जगह ही नहीं है, आज टोटल नहीं है। बाजार लगाए तो बाजार के लिए आप लोगों को जगह नहीं है, तकलीफ होती है? नहीं तकलीफ भी नहीं होती। बाथरूम वगैरह के लिए तकलीफ होती है यहाँ पे? हाँ। अच्छा, आप लोगों से नगर परिषद वाले पैसे वसूली के लिए आते होंगे हफ्ते में? हाँ आते हैं। कितने रुपए देते हैं आप? 10 रुपए। 10 रुपए स्लिप देते हैं? हाँ देते हैं। 20 रुपए चाहिए? 20 रुपए ला। हमेशा स्लिप देते हैं? कभी कभी नहीं नहीं देते हैं। देते हैं। कहाँ रहते हैं आप? रामटेक। रामटेक से आते हैं आप? रामटेक से। हाँ इनको पहले आप ग्राहक देख लीजिए। 15 रुपए ये लो। एक बात बताइए, आप कहाँ रहते हैं? आप लोगों को नगर परिषद वाले आके बाजार वसूली कितना रुपए लेते हैं आपसे? 20 रुपए। तो स्लिप देते हैं आप? हाँ स्लिप देते हैं, कभी कभी देते हैं, कभी नहीं देते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेके चले जाते और स्लिप नहीं देते, ऐसा होता है? वो कैसा है, घर से अगर इसमें रह गए अपन, हाँ अपना ध्यान नहीं रहा तो निकल जाते, अपन ने मांगे तो दे देते, ऐसा दे देता। हाँ। ऐसा ही ना? हाँ, हाँ। सभी के साथ ऐसा ही है लगभग यहाँ पे? हाँ, हाँ। बाहर वालों के साथ में? अच्छा, कितना रुपए लेते हैं आपसे? 20 रुपए। 20 रुपए। यहाँ पे बाजार वगैरह के लिए बाथरूम वगैरह के लिए दिक्कत है, जगह की दिक्कत? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं है, लेटरिन के लिए जगह नहीं है। कितना घंटे की बाजार लगा, कितने देर बैठते हैं आप यहाँ? अभी देखो 1-1.5 बजे, 2 बजे से अपनी दुकान लगती है यार। कितने बजे तक रहते हैं? 9 बजे तक। इस बीच में तो बाथरूम वगैरह जाने की बहुत दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। तो ऐसे ही खुले में कहीं साइड में ऐसा? कैसे भैया मुरमुरे? 10 रुपए पाई लिए। सभी 10 रुपए पाई लिए क्या? सब 10 रुपए। कोई भी लो? कोई भी। अच्छा पैसे ले लीजिए आप पहले उनसे। ये आप लोग यहाँ बाजार लगाते तो नगर परिषद वाले आके आपसे बाजार वसूली लेते? लेते ना भैया। कितना लेते? मेरे से तो 10 रुपए लेते भैया। पर्ची देते हैं? पर्ची देते हैं। हर बार देते हैं कि कभी? हर बार देते हैं। हर बार देते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को बाजार कैसे, आप कॉर्नर में बीच में है तो गाड़ी वाड़ी जाती होगी तो तकलीफ होती है? तकलीफ तो समझ लो है ही। बाथरूम वगैरह के लिए? बाथरूम वगैरह के लिए तो बहुत भयंकर तकलीफ है। तकलीफ ज़्यादा है? बहुत ही ज़्यादा। अभी जैसे वहाँ थोड़ी बहुत जगह है, उधर जाओ तो उधर ठीक नहीं लगता, वहाँ दुकानें हैं, फिर उधर वहाँ यहाँ से दुकान छोड़ के अगर वहाँ उधर जाएंगे खंडर में तो जब तक के गिराकी के टाइम 2 घंटे ही गिराकी रहती। ये मतलब बाथरूम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बाजार में। ये आप कहाँ रहते? मैं तो भैया नागपुर रहता। नागपुर से यहाँ आते आप? जी सर, बहुत पहले से आ रहे हैं, स्टार्टिंग से। कितने साल हो गए लगभग? कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे। 7-8 साल में बाथरूम की समस्या कुछ बदलाव हुआ है कि वैसा ही? वैसा ही है जैसा था, जैसा वहाँ जब ही था और आज भी वही है। 7-8 साल से जो बाथरूम की समस्या जैसी थी जहाँ जाते थे आज भी वही जाना, वही जाना, कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। तो ये आपकी दुकान है? ये दुकान दिखाइए जरा, ये दुकान आपकी है? आप कहाँ से आते हैं? रामटेक से। रामटेक से आते हैं। अच्छा, तो बाजार वसूली के लिए नगर परिषद से बाजार वसूली करने आते हैं? हाँ। कितने रुपए लेते हैं? 30 रुपए लेते हैं। ये इतने से दुकान के? हाँ, ये इतने से दुकान के 30 रुपए। तो पर्ची देते हर बार? हाँ पर्ची देते हैं। कभी ऐसा हुआ कि पर्ची नहीं दिया? नहीं नहीं ऐसे कभी नहीं, वो पर्ची दी है उन्होंने हमको, पर 30 रुपए लेते हैं पर्ची के। 30 रुपए लेते हैं? हाँ। और कभी कभी क्या है, हमको पुलिस वाले आके फिर ये जगहों पे परेशान करते हैं, चालान देते हैं, 1100 रुपए 1000 रुपए का चालान भरते। अच्छा ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। यहाँ पर पुलिस वाले हमको मना करते हैं, यहाँ पे दुकान मत लगाओ, यहाँ से दुकान उठाओ। एक बार ऐसी चुया था कि हमको 1100 रुपए का चालान दिए थे यहाँ पर, लॉकडाउन के समय की बात है, 1100 रुपए का चालान दिए थे यहाँ पर, क्योंकि रोड पे लगाए, रोड पे लगाए करके। तो नगर परिषद तो जगह नहीं देती है? नहीं नहीं दे रही है नगर परिषद। फिर नगर परिषद ना जगह दे रही है, ऊपर से आपसे पैसे भी लेती है। हाँ। और कभी ऐसा हुआ कि पुलिस वाले आ गए चेक वेक करने तो वो भी ले लेते? हाँ वो भी लेते। तो फिर आपके पास रास्ता क्या बचता है? कुछ क्या बचेगा, कुछ नहीं है। बाथरूम की सुविधा नहीं है, यहाँ से कोसों दूर जाना पड़ता है बाथरूम करने के लिए। कितने घंटे की बाजार रहते हैं? कितनी देर बैठते हैं? हम क्या रहते हैं 8 बजे तक के रहते हैं। और आते कब? हम आते 2 बजे। 6-7 घंटे रहते हैं? हाँ 6-7 घंटे रहते। ठीक है, थैंक यू। घर को तो अभी 20 साल हो गए सर, मैं दुकान लगा रही तो 20 साल से लगा रहे हैं। हाँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं रामटेक रहती हूँ। रामटेक से 20 साल से आप यहाँ आते हैं हर शुक्रवार को बाजार लगा? हाँ। अच्छा पैसे वसूली करने वाले आते हैं नगर परिषद से? हाँ आते हैं। कितने पैसे लेते हैं? 30 रुपए। स्लिप वगैरह? हाँ स्लिप देते हैं। देते हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आपको बाजार में बैठ रहे हैं आप, पिछले 20 साल से लगभग आप बैठ रहे हैं, तो क्या बदलाव आया? किसी जगह नहीं आ रहे सर,
कम से कम 3 बार यहाँ रोड पे बाजार आया है। पहले 2 जगह अंदर में गया था, 3 बार यहाँ आ चुका है बाजार। बाजार के लिए कोई जगह नहीं है, बस रोड पे पुलिस के डंडे खाओ कभी, पुलिस की गालियाँ खाओ कभी। ये तो रोड है, यहाँ से तो कभी कभी कार वगैरह जाती होगी तो? हाँ जाते सर, हाँ तकलीफ बहुत होती, कभी माल भी हमारा ख़राब हो जाता है, कार माल के ऊपर से भी लेके जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। और पहली बात तो लेडीज़ को बाथरूम जाने की इतनी तकलीफ है, उसके वजह से हमारे पेट में भी अभी बीमारियाँ चालू हो गई है। बहुत देर तक आपको सब? हाँ हम अभी 2 बजे घर से आते दुकान लगा रहे, तब से 9 बजे तक बाथरूम नहीं जा सकते हम पूरे, क्योंकि यहाँ पे मकान बन गए हैं, बाथरूम के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने अभी लेडीज़ डॉक्टर से यानी ये की ट्रीटमेंट तो बोले, ज़्यादा देर बाथरूम रोकने से भी ये बीमारियाँ हो। हाँ कस्टमर आए हैं आप उनसे बात कर। दोस्तों इन लोगों से बातचीत करते करते हमें वो लोग भी मिल गए जो नगर परिषद के कर्मचारी थे और सब्जी वालों से वो कर वसूला करते थे। हमने उनसे भी बातचीत की, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं और क्या झूठ बोल रहे हैं, और एक सब्जी वाले से क्या बातचीत हुई वो आपने भी सुना, और दोनों चीज़ों में आप कंपेयर कीजिए और आप सोचिए कि आखिर सच्चाई क्या है और आखिर इस तरीके का कृत्य जो किया जा रहा है वो सही है या गलत, ये सोचने वाली बात है। क्या नाम है भैया आपका? उमेश कटाने। कटाने, हाँ। कितने के 2 रुपये के स्लिप है ये? 20 की और 10 की है। अच्छा, और कितने के 2 रुपये? 10, 20 और 30 लेते? नहीं, 30 रुपये आए ही नहीं अपने पास। 30 लेते ही नहीं आप किसी से? किसी से नहीं लिए। 30 रुपये आप किसी से नहीं लेते? अच्छा, कितने पैसे लेते हैं? 30 रुपये। अच्छा, तो बाजार वसूली के लिए नगर परिषद से बाजार वसूली करने आते हैं? हाँ। कितने रुपए लेते हैं? 30 रुपये लेते हैं। कितने रुपए लेते हैं? 30 रुपये। ये आपको वसूली करने के लिए जो आपका अधिकारी ऊपर, आपके ऊपर वाला, उसका नाम क्या है? कर विभाग वाले। हाँ, कर विभाग। नाम क्या उसका? उनका नाम मुझे नहीं मालूम, 1 मिनट 2 मिनट को साथ में ही चलो, वो प्रमोद करके आ रहा, उसको मालूम है, मेरा साथ वाला है। आपके साथ वाला है? हाँ, मेरे साथ। वो स्कूटी पे आपके साथ जो गाड़ी चला रहा है वो कौन है? कौन था जो गाड़ी चला रहा था आप नगर परिषद के पास में? 3 लोग निकले आप, देखा हमने पास रिकॉर्डिंग। हाँ, तो कौन है वो? अपना राणा। वो आपका अधिकारी है क्या? नहीं, अधिकारी नहीं हमारा। नहीं है आपका अधिकारी? आपको बोलता कौन है करने के लिए? ये करने के लिए हमको नगर परिषद अध्यक्ष मैडम बोलती है। मैडम बोलती है? हाँ। कि जाओ वसूली करो? हाँ, नहीं वो मैंने इनके ग्रुप में हूँ मैं। इनके ग्रुप में हो? हाँ। आप किसको रिपोर्ट करते हैं? कर विभाग में। कर विभाग में किसको? यानी जो मेन अधिकारी है उसको। तो मेन अधिकारी कौन है? अभी 2 मिनट रुकेंगे, आपको लड़का आ रहा है, वो आपको डिटेल देगा। पता ही नहीं कि डिटेल है मेन अधिकारी? मैं पानी पुरोड़े का आदमी हूँ। अरे हाँ, लेकिन ये इसको कहीं ना कहीं रिपोर्ट करते होंगे, जैसे आप लिए? कर विभाग में करता हूँ। कर विभाग में किसको? यानी जो अधिकारी है। 2 मिनट रुक जाओ, लड़का आ रहा है। 1 मिनट रुके। आप दोनों साथ में वसूली करते हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? बावनथड़े। बावनथड़े, ये जी बावनथड़े। पूरा नाम बताओ ना। होमेंद्र बावनथड़े। प्रमोद बोल रहे थे? प्रमोद भी है ना साथ में, वो आ रहा है, वो ऑफिस में है। तीन लोग रहते हैं, बावन कोरे, आप और आपका नाम? उमेश। उमेश, ये बताओ कि ये वसूली करने के बाद में ये किसको जमा करते पैसे? ये नगर परिषद फंड में जमा होता है। किसको? कौन सा? मुख्य अधिकारी नगर परिषद फंड में। आप इसको लेके किसको दोगे हिसाब, वो बताओ? ये अकाउंटेंट को देंगे हम। अकाउंटेंट का क्या नाम है? क्या नाम है? खौसे। खौसे, खबसे को देंगे में जमा। आपको ये बाजार में वसूली करने के लिए कौन बोला? किसी ने आदेश दिया? सीओ साहब ने दिए थे ना। बोरकर था ना उस समय? हाँ, बोरकर साहब का आदेश तब थे, और अभी तो दूसरे सीओ आ गए ना। हाँ, तो आपको ये करने के लिए सीओ साहब बोलते हैं? हाँ। और मैडम भी कुछ बोलती है क्या? नहीं, मैडम भी बोलते हैं ना वसूली करो कर। अभी इन्होंने बताया कि मैडम? ये इन्होंने बताया कि मैडम बोलते हैं? नहीं, अभी तो वो तो सीओ साहब का लेटर है, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं अभी। बस लेटर है क्या? वो ऑफिस में है ना, ऑफिस में लेटर है। तो सीओ साहब के कहने पे आप वसूली कर रहे हो? हाँ। कब से कर रहे हैं आप लोग? एक साल डेढ़ साल हो गया। तो बताना डिटेल तू पहले। एक डेढ़ साल हो गया। हाँ, मैं आधे में से हूँ। अच्छा। हाँ। मेरे को ज़्यादा आप लोग सरकारी कर्मचारी हो कि प्राइवेट? सरकारी कर्मचारी, नगर परिषद की तरफ से। तो भिंगरी उंगरी मार के आए क्या? नहीं, सेंट आ रहा है। खर्रे की बात है क्या? 24 घंटे पीते थे उसके पहले, लेकिन 1 साल हो गया छोड़ दिए। 1 साल से छोड़ दिए? आपको कैसे मालूम? मेरा खास दोस्त है। आपका दोस्त है? हाँ जी। आपको मालूम कि छोड़ दिया उसने? मेरे को मालूम है। अभी नहीं पीते? नहीं, ये बिल्कुल नहीं पीते। नगर परिषद कन्हान पिपरी के नगर अध्यक्ष करुणाताई आष्टांकर, इनसे भी हमने बातचीत की, उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। नगर परिषद में मैम जो बाजार वसूली चल रहा है वो उसके लिए परमिशन किसके परमिशन से चल रहा है, किसकी इजाजत से? वो प्रशासन का भाग है। अच्छा, उनको पत्र इशू किया गया? उनको कैसा है, जब तक वो उनका टेंडर दूसरा आता नहीं है तब तक नगर प्रशासन वो वसूली करेंगे। अच्छा। वो अपना कोई भाग नहीं है, वो नगर प्रशासन का भाग है।
अभी वो टेंडर हुआ था बोली वाला जी। अभी आने वाले 20 तारीख की मीटिंग में उसको रखा है फाइनल के लिए। नगर परिषद में जो लोग बाजार वसूली करने जाते हैं तो 30-30 रुपए लेते हैं और किसी को पर्ची भी नहीं देते हैं, इस तरीके की भी जो बाजार वाले हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि नहीं, उनकी अगर लेखी में तकरार आती होंगी तो हम लोग अपने कर्मचारी पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो नगर प्रशासन ने जो रेट ठहरा के दिए है उसी हिसाब से वसूली करना चाहिए। अधिकतर मूल्य कितना ठहरा है नगर परिषद में? वो 10 रुपये है और वो जैसा स्क्वायर फीट अनुसार है, जितना बड़ा दुकान है उसके हिसाब से। अधिकतम कितना है? टोकने वाले जो लोग रहते हैं, टोकना यानी 5x5 की इसमें दुकान है, उसको 10 रुपये, और उससे बड़े वाले वो फिर अलग रेट है। इन सारी प्रक्रिया के बाद हमने नगर परिषद कन्हान पिपरी के सीईओ से भी बातचीत की। वो उस समय नगर परिषद में अवेलेबल नहीं थे और इस वजह से हमने उनसे फ़ोन पे बातचीत की, और क्या बातचीत की टेंडर प्रक्रिया को लेकर के वो भी सुन लीजिए। हेलो वीर सिंह जी, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। तो फोन पे विषय ऐसा है, बाजार वसूली का अपन ने ठेका किया है जी, अभी वो सभा में मंजूरी के लिए रखा है। तो ये इससे पहले जो अप्रैल में टेंडर निकला था वही अप्रैल का टेंडर, लेकिन अपने यहाँ साइट की नहीं होने की वजह से वो सर्वसाधारण सभा में मंजूरी के लिए जाता है। ओपन वगैरह किया है, ठेकेदार अलर्ट हो गए खाली सभा की मंजूरी लेके। तो ये अप्रैल 3 महीने में जो मीटिंग हुई होगी उस मीटिंग में क्यों नहीं रखा गया इसको? नहीं नहीं, अप्रैल में किया था लेकिन उसको 3 बार एक्सटेंशन देना पड़ा, और उसको मई में टेक्निकल ओपन किया लेकिन फाइनेंशियल ओपन नहीं हो पाया था उसका। फाइनेंशियल ओपन होने के बाद सभा ही नहीं हुई, तो नगर परिषद में सभा ही नहीं, मीटिंग ही नहीं हुई फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ओपन होने के बाद ये पहली सभा इसमें रख रहा था। वो दो लोगों के मुझे ये भी कंप्लेन आया था कि उनके जो EMD कुछ 50,000 रुपए उनके पास स्लिप था जो उनके पास जमा है, उन्होंने आपको बार बार बोला भी कि EMD रिलीज करने के लिए, तो उनकी EMD तक रिलीज नहीं। EMD जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती अपन EMD रिलीज नहीं कर पाते, उसकी EMD भी रिलीज हो जाएंगे। तो ये 20 तारीख कोई प्रतिक्रिया कम्प्लीट होगी? यस यस, 20 तारीख। आपके जो लोग नगर परिषद के जो कर्मचारी है जो वसूली कर रहे हैं वो लोगों से कैसा है, कितना पैसा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आपको इस चीज की भी जानकारी नहीं होगी? वो आपके पीछे सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आप तो नहीं, उसके लिए एक कर्मचारी रखा है, वो उसके वॉच रखता है, उसके रिपोर्ट लेके ये किया जाएगा। अभी 3 महीने में उन्होंने क्या वसूली की, कितनी की, क्या की, उसका ब्यौरा पैसा नगर तो नगर परिषद में वो किनको जमा करते हैं ब्यौरा जो चिट्ठी वसूली करते हैं? वो एक अपना फिर निर्धारण अधिकारी है राहुल करके, उसके पास दिया जाता है। ये जो डायरेक्ट वसूली करते हैं और जो टेंडर बेसिस पे वसूली होता है, तो नगर परिषद को डायरेक्ट वसूली में जो RTI की जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट वसूली में नगर परिषद को नुकसान है? नहीं, हो तो अपन बोल सकते हैं डायरेक्ट वसूली में कभी नुकसान भी होता है, कभी ये भी होता है, लेकिन वो कैसा है, नहीं, नगर परिषद नहीं चाहती कि डायरेक्ट वसूली हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर दिए तो नगर परिषद उसमें भी नष्ट हो जाएगा। 20 तारीख को मीटिंग में नया टेंडर करेंगे, इसी टेंडर को ओपन करेंगे टेक्निकल, इसी टेंडर को बना देंगे, इसी टेंडर को। ओके, तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे बाजार वसूली में एक बड़ी धांधली और एक नुकसान भी बोल सकते हैं और गरीबों का पैसा भी लूटा जा रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी कि आखिर आने वाले 20 तारीख की जो मीटिंग है उस मीटिंग में आखिर क्या फैसला होता है और क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं, वो सारी जानकारी के साथ हम आप तक फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ सिर्फ NBCN न्यूज़ पे।